अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आम तौर पर ये आंकड़े आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। मिशन 2024 के चुनाव में वोटिंग के लिए काउंटडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस गिनती के दिन बचे हैं। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण की वोटिंग की जाएगी और 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार हैं। इस चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने को भी तैयार है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 दर्जन से ज्यादा दल उन्हें सत्ता से बाहर करने को बेकरार है। देश का हिंदू वोटर बीजेपी के भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस वक्त देश का मुसलमान किसके साथ है? भारत के मुसलमानों का इस चुनाव को लेकर क्या मूड है? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 4 दिन, बस 4 दिन बाद देश में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नई सरकार के लिए वोटिंग होगी। सारी दुनिया की नजर भारत में हो रहे इस महापर्व पर होगी, क्योंकि ब्रांड बन चुके पीएम मोदी डंके की चोट पर तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देश के मुसलमानों और सत्ताधारी पार्टी के बीच इस चुनाव में दूरी बढ़ती जा रही है। बीजेपी को लगता है कि मुसलमान वोट मिले ना मिले, वो अपनी जीत की हैट्रिक लगाकर ही रहेगी। तो वहीं देश के मुसलमान मोदी सरकार पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं। अब दोनों के बीच मनभेद भी है और मतभेद भी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से पहले दोनों पक्षों के मन मिलेंगे और क्या दोनों पक्ष अपने मतभेद दूर कर पाएंगे। एक तरफ पिछले 10 साल से हिंदुत्व की मशाल हाथ में लेकर बीजेपी चल रही है, तो दूसरी तरफ मोदी और उनकी विचारधारा से परेशान देश के तमाम विपक्षी दलों का महागठबंधन है, जिसने कभी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपनाया ही नहीं। बीजेपी का फोकस देश के हिंदू वोटर्स पर है, तो विपक्षी दल मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। तो कुल मिलाकर जमकर चुनाव प्रचार के बीच हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम वोटर्स का मूड क्या है, इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी ने सत्ता वापसी के लिए 400 पार का टारगेट फिक्स किया है। दावा किया है कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी को मुस्लिम वोटों की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी का 400 सीटों का टारगेट मुसलमानों पर निर्भर नहीं है, तो वहीं अब विपक्षी दल इस मौके को भी लपक लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर बीजेपी का जो स्टैंड है, उसे देखते हुए मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट करेंगे ही नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सियासी पार्टियां अक्सर वोटों के लालच में मुसलमानों का शोषण करती हैं, और एक बार सत्ता में आने के बाद उनकी जरूरतों को भूल जाती हैं। उनके मुताबिक विभाजन के वक्त धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान को ठुकरा कर मुसलमानों ने तो अपनी वफादारी साबित कर दी थी। उन्हें लगता था कि वो हिंदू बाहुल्य देश भारत में सुखी और समृद्ध होंगे, लेकिन आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला है, बल्कि उनकी वफादारी पर शक किया जाता है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। आजादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की माने तो मुसलमानों ने विभाजन को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वो हदीस मंत्र में विश्वास करते हैं। इसके मुताबिक मातृभूमि के प्रति प्रेम मुस्लिम आस्था का आधा हिस्सा है। संघ परिवार और मुसलमानों के बीच हमेशा से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। चुनाव के वक्त इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। वहीं बीजेपी का मानना है कि किसी भी चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी कैंडिडेट्स को हरवाने के लिए कुछ भी करना ठीक समझते हैं। इनका ऐसा करना लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। आज मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को अछूत नहीं माना जाना चाहिए। ये तो बीजेपी का तर्क हुआ, लेकिन इस मसले पर मुसलमानों का तर्क भी जान लेना चाहिए।
बीजेपी देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाह रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग मोदी सरकार की तरफ से अपनी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। उनका सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी सक्षम मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करती है। अब मुसलमानों के मन में ये धारणा बन चुकी है कि हम भले ही बीजेपी को वोट कर दें या बीजेपी को अपना लें, लेकिन बीजेपी कभी हमें स्वीकार नहीं करेगी। वो लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों हमें बीजेपी अपने राजनीतिक प्लान में शामिल नहीं करती, या फिर क्यों केंद्रीय योजनाओं में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। मुस्लिम समुदाय से शायद ही कोई सर्वोच्च पदों पर हो, चाहे वो कैबिनेट हो या कोई शीर्ष बोर्डरूम। ऐसे में बीजेपी के लिए मुसलमान उम्मीदवार खड़े करना एक बड़ा कदम हो सकता है। इस कदम से धारणा बन जाएगी कि मुसलमानों के भारत में रहने की कहानी धर्म से परे है। भारतीय लोकतंत्र की ताकत में इनका भी कुछ रोल है। ये कदम दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज देगा और सभी धर्म के लोगों के बीच कड़वाहट कम करेगा। अब एक पते की बात, जिससे बीजेपी का भी भला हो सकता है और मुस्लिम समाज का भी। दरअसल जैसे मुसलमान उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी उनकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाए, ठीक उसी तरह देश के मुसलमानों को भी कुछ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें बीजेपी के सक्षम और भरोसेमंद उम्मीदवारों के लिए वोट करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो नफरत को भुलाकर विकास की बात करते हैं और पुरानी विचारधारा से हटकर नए भारत के साथ चलना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के पास अपनी जायज मांगों का मांग पत्र होना चाहिए, जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों का लेखा जोखा हो। इसके अलावा उन्हें तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड से भी ये सवाल करने चाहिए कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के अलावा उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए क्या किया है। अगर आप बीजेपी में मुसलमानों को बड़े पदों पर देखना चाहते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं? उनसे भी ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश भारत में आज मुसलमानों को भी ये तय करना होगा कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति से जुड़ने की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं, तो पीछे हटने के अलावा उनके पास क्या ठोस विकल्प है? अगर पीछे हटते हैं तो उनका ये कदम आज के भारत में पलने वाले मुसलमानों की पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा, और अगर आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी को भी देश के हर नागरिक को एक ही नजर से देखना होगा, तभी बीजेपी का सबका साथ सबका विकास नारा बुलंद हो पाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।